नमस्कार भाइयों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। दोस्तों, और सामने है ये एक डहेलिया का पौधा है और इस पर अभी जो बर्ड आ रहा है अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है और ये हाइब्रिड है। इसमें डहेलिया दो तरह के आते हैं दोस्तों, एक छोटी किस्म का आता है और एक बड़े फूल वाला हाइब्रिड जिसे हम बोलते हैं। तो ये हाइब्रिड क्वालिटी है और मैंने इसे अपने घर पर ही ग्रो किया है सीड से। तो मैं आज आपको डहेलिया के जो सीड हम ग्रो करते हैं, पहले मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ उनकी केयर कैसे करते हैं। जैसे 30 से 40 दिन हो जाते हैं आपके छोटे छोटे जो प्लांट हैं, रिपोर्टिंग मैंने आपको पहले बताई थी नर्सरी की, वैसे ही कुछ। तो चलिए आज हम डहेलिया के ऊपर चर्चा करेंगे और जनरली सबसे पहले वीडियो का विचार। और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों, भोजन का कण और आनंद का क्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम बड़ी खुशी के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों के क्षण हैं उन्हें व्यर्थ जाने देते हैं। सदैव खुश रहें और भोजन बड़ा कीमती है, कभी भी ज़्यादा भोजन ना लें और अपनी थाली में तो बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये जो छोटे छोटे प्लांट आपको देख रहे हैं ये डहेलिया के हैं और ये देखिए ये पीला पड़ना शुरू हो गया। तो मैं यही परेशानी आपको बता रहा था कि हमने सीडिंग ट्रे में डहेलिया को ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इधर वैन वेरा कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और लेकिन अब ये ग्रो होने से ज़्यादा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो अब इसका यही उपाय है कि हम इसे रिपॉट करें। या तो आप गिलास में से पॉन्ड कर दीजिए या फिर किसी पॉट में। तो आज हम एक मीडियम साइज़ पॉट में इन्हें यहाँ से निकाल कर शिफ्ट करेंगे। तो चलिए, तो मेरे कुछ दोस्तों की क्वेरी थी कि उनके जो प्लांट हैं ग्रो नहीं होते। तो मैंने देखा है कि अगर आप सीडिंग ट्रे का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे अच्छा है कि आप कोकोपीट का उपयोग करें। ये देखिए कोकोपीट में ही सभी ग्रो किए गए सीड हैं और लगभग 80 से 90% ग्रो हो रहे हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है। मैंने मिट्टी में भी जमा के देखे तो उधर भी रिजल्ट ठीक है, लेकिन सभी का नहीं है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज डहेलिया की। तो मैं इस ट्रे को बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम इसे एक पॉट में शिफ्ट करेंगे। डहेलिया के लिए जो बात है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं एक इस प्लास्टिक के पॉट का उपयोग कर रहा हूँ अपने डहेलिया को शिफ्ट करने के लिए। और मैंने छेदों के जो ड्रेनिंग व्यवस्था है उसके लिए इसमें एक पॉलीथीन की रस्सी डाल दी है। आप कोकोपीट यूज कर सकते हैं नीचे या कंकड़ यूज कर सकते हैं, कोकोनट नारियल वाले छिलके यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यही एल वाला है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और मैं अक्सर कभी कभी इसका भी उपयोग कर लेता हूँ लेकिन केवल सतह पर। तो हम जो मिट्टी लेंगे दोस्तों, तो मैं पहले आपको बताऊं कि डहेलिया फुल सनलाइट चाहने वाला पौधा है। किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। ये देखिए काली मिट्टी से मतलब है खूब उर्वरक होनी चाहिए, उसमें आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कार्बनिक पदार्थ। ये हमने गोबर खाद ली है। कुछ दोस्त पूछते हैं क्या गोबर खाद के अलावा हम और कोई फर्टिलाइजर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक वो आप बर्मी कंपोस्ट लें या कंपोस्ट लें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक या देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल ना करें पौधों को लगाते समय। जैसे आपके पौधे ग्रो हो जाएं, जैसे ये पौधे कुछ ग्रो हो गए हैं अच्छी तरह, तो अब कुछ दाने आप NPA या DAP यूरिया या फिर डाई या सल्फेट किसी का भी कुछ दाने इनके ऊपर हल्के हल्के यहाँ जो आपको ये ब्रांच मुख्य ब्रांच दिख रही है इसके दूर 2 से 3 इंच आप डालिए। अगर आपने ज़्यादा यूज किया रासायनिक खादों का तो फिर आपका फ्लावर जो है वो 15 दिन आपके प्लांट बहुत अच्छे दिखेंगे आपको कि बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सूखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो आपका सवाल था ये था कि आप गोबर की जगह क्या यूज करें। तो जनरली आप मार्केट से खाद ले लिया करें अगर आप शहर में रहते हैं, और गांव में कोई परेशानी नहीं है
गोबर खाद बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या सूखा गोबर हम यूज कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सूखा गोबर आप पहले उसे फोड़ लीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए कुछ दिन, और उसके बाद आप उसे फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एसिड है हम उसे निकालना चाहते हैं, वरना आपके जो पौधे हैं वो सीधे सीधे उसके संपर्क में आकर खराब हो जाएंगे। तो आज हम यूज कर रहे हैं, ये साधारण मिट्टी है और मैंने इसमें ही गोबर खाद मिलाया हुआ है अलग से। ये राख में प्रयोग करूँगा, राख इसलिए सही है, ये कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है और फ्लावर प्लांट के लिए कार्बन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे फूल चाहते हैं तो कार्बन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, राख का उपयोग कर सकते हैं। कच्चा कोयला जो भट्टी में होता है, लकड़ी के कच्चे कोयले को आप उपयोग कर सकते हैं सीधे सीधे पौधों में, कुछ लोगों ने पूछा तो मैं आपको बताऊं, लेकिन जो पत्थर वाला कोयला होता है वो तो भट्टी में यूज होने के बाद उसकी राख ही आप यूज करें, और राख भी पौधे की मुख्य ब्रांच से दूर रखें। तो हम इस मिट्टी को अपने पॉट में बह लेते हैं, बहने का वही तरीका है, एक सतह हम मिट्टी की, फिर गोबर खाद की और फिर मिक्स, और उसी बीच में हम राख का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए मैं पॉट को भर लेता हूँ। पॉट को भरने में कोई खास परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए, और कोई भी पॉट यूज कर सकते हैं आप, वो चाहे मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, क्ले का हो या फिर कोई और भी। मिट्टी में अगर कोई लकड़ी या फिर घास का तिनका हो तो आप उसे निकाल दीजिए। एक क्वेरी थी कि गोबर में सूखे घास हैं, तो बिल्कुल घास निकाल दीजिए, क्योंकि वो कंपोस्ट नहीं हुआ है, डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है, डिकोड, और वो अगर आपके प्लांट में चला जाएगा तो हो सकता है दोबारा उगाए या फिर वो उसमें दीमक भी लग सकती है। तो ये हमारा पॉट लगभग तैयार हो गया है, और अब हम इसमें अपने प्लांट हैं जो डहेलिया के लगाएंगे। तो डहेलिया के लिए मिट्टी हार्ड होनी चाहिए, हार्ड से मतलब मेरा होता है वो कोमल नहीं होनी चाहिए, पेड़ आसानी से उखड़े नहीं, मिट्टी उसे जकड़ ले। आप ये समझिए कि हार्ड मिट्टी से यहाँ तात्पर्य मिट्टी मजबूत होनी चाहिए, बालू की मात्रा कम होनी चाहिए उसमें, और गोबर खाद की भी मात्रा कम होनी चाहिए। आप खाद है, फर्टिलाइजर है, वो पौधे के ऊपर से यूज करें मिट्टी में। डहेलिया एक बड़ा प्लांट होता है जो हाइब्रिड होता है, आप देखें ये काफ़ी ऊंचाई जाती है, उस पर हमें लकड़ी लगानी पड़ेगी बाद में, तो हम चाहते हैं कि इसकी जड़ें अच्छी तरह से नीचे पॉट में सेट हो जाएं, तो उसके लिए आप जो मिट्टी लें वो मजबूत मिट्टी लें। पौधों को ट्रे में से निकालना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाकू से उसकी नीचे तक मिट्टी को निकाल लें। ये देखिए, ये मैंने अपना जो है डहेलिया का प्लांट निकाल लिया, इसकी आप रूट देख सकते हैं ये, और इसे सीधा सीधा इस रूट से छिड़खानी नहीं करनी है कि आप इसे दबाने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इसे लेना है आपको और अपना जो पॉट है, ये पॉट है जैसे, और इसमें एक होल बनाइए और ऐसे उसे बस ऐसे दबा दीजिए। ये हमारा प्लांट शिफ्ट हो गया, तो ये पॉट छोटा है तो आप जनरली एक या दो प्लांट इसमें सेट करें, लेकिन मैं इसमें तीन प्लांट सेट करूंगा, और मैं आपको बताऊं ये जो मैंने सीड लगाए हैं डहेलिया के, ये मिक्स कलर हैं, मुझे खुद आइडिया नहीं है ये कौन से कलर का पौधा है। तो चलिए हम केवल अपने विवेक से ही उसे लगाए देते हैं। आप देखिए इसकी रूट कितनी बड़ी है इस प्लांट की, और इसे भी हम इसी में लगाए देते हैं, और उसके बाद जब इसकी फ्लावरिंग होगी, अभी पीरियड चल रहा है डहेलिया का जो हमने बहुत जल्दी जो सीड बो दिए थे सितंबर अक्टूबर में, उन पर फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन ये मैंने जो सीड हैं बहुत देर में बोए हैं इधर नवंबर के आसपास, तो ये अभी ग्रो हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये फ्लावरिंग लेट तक चले, क्योंकि इस समय काफ़ी फ्लावर वाले प्लांट अवेलेबल हैं। बस निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि
पहले चाकू को चारों तरफ आप ऐसे लगा लिया करें, फिर एक गहरा घाव और फिर नीचे से आप अपना प्लांट ऐसे निकाल लीजिए और फिर एक हल्का सा होल बनाना है आपको और आप अपना प्लांट उसमें ऐसे शिफ्ट कर देना है। ये लीजिए जनाब, अब मैं इसमें बहुत हल्की हल्की मिट्टी और डाल दूंगा जिससे जो हमारे पौधे हैं या डहेलिया के जो प्लांट हैं वो अच्छी तरीके से इसमें खड़े रह सके, ये गिरने नहीं चाहिए। और बहुत हल्की वाटरिंग आप इनमें कर दीजिए कि इनकी जड़ें जो है वो सेट हो जाएं। अब हम इसमें हल्का हल्का ये मैंने पानी दे दिया है, ये देखिए हमारा प्लांट गिर रहा है, तो आप इसे सही कर दें। और दोस्तों, तो मैंने आज आपको डहेलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की। पहला, डहेलिया को जहाँ ग्रो करें वहीं पर ना रहने दें, उसे रिपॉन्ड करें, दूसरे पॉन्ड में दूसरी जगह पर शिफ्ट करें। दूसरी बात, डहेलिया को हार्ड मिट्टी चाहिए, मजबूत मिट्टी चाहिए। और तीसरी बात, फुल सनलाइट चाहिए, तो फिर आपके यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर आना शुरू होंगे। तो बिल्कुल जल्दी ही मैं आपकी इस अपडेट वीडियो डालूंगा जब इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी। और धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।